पंजाब होवे या फिर हरियाणा होवे या फिर आप गल कर लिए यूपी की, हर पासे ही अपराधिक घटनावां लगातार वध रहियां ने, जो कि पुलिस के उत्ते भी सवालिया निशान खड़ा कर दियां ने, कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे खड़ा कर दिंदियां ने। गल करन जा रहे हैं हरियाणा के पंचकूला की, जिथे सैक्टर 17 की राजीव कलोनी दे विच हथियारबंद दो दर्जन नौजवानों ने दो दिन पहला चंगे तरीके दे नाल गली मुहल्ले दे विच आ के भनतोड़ की, गड्डियां दे शीशे तोड़ दिते, घरां दीआं खिड़कियां दे शीशे तक तोड़ दिते गए। तुहानू दस दिए कि इस मौके ते दो नौजवानों नू बेरहमी दे नाल मारिया कुटिया गया। यह जिहड़े हथियारबंद नौजवान सन, इन्हां दे कोल हाथियां, बेसबॉल, इस तों इलावा तलवारां भी सन। इन्हां ने जम के दो नौजवानों की मारकुट की, पर जब पीड़ित परिवार पुलिस थाने पहुंचता है तो पुलिस के वालों मामला ही नहीं दर्ज किया जाता। आखिर की वजह है कि पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही, पुलिस को किस का डर है? यह पीड़ित परिवार के मुँहों थानू सुनाने। हाँ जी, मेरे बच्चे को मार के घर गली में घेर आए थे और वहाँ से जो मेरा रखा था, मेरे को फिर लौटे की बहन बताने आई थी। अच्छा, कहती तेरा लड़का ना मेरे भाई को मार रहा है। मैं गई तो वो सारे इसको मार रहे थे, गिंडासी है, तलवार है, छुरी सारे मार रहे थे इसको। इसके ऊपर मैं बैठी पड़ी ऐसा कोड़ी भर के, तब ये हटे। कौन कौन थे मारने वाले? सांबा था, लोटा था, और चांदी था, और क्या ना उसका वो ललुआ था, और कालिया मनोज था, और मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं थी। मारा किस कारण से? कोई कारण है आंटी? घर जा रहे थे जी, घर आ रहा था मेरे पास ही। हाँ, तो बंदे 40 बंदे थे, 40-45। नहीं, आप पुलिस स्टेशन आए हैं क्या? बात कार्रवाई नहीं हुई क्या? कारण नहीं जी, कार्रवाई बिल्कुल नहीं सुन रहे हमें। कभी चंडीगढ़ भेज रहे, कभी 16 में भेज रहे चंडीगढ़ वाले, हमारी कोई सुना नहीं, चक्कर कटवा रहे हमें। हम तो घर पे आ रहे थे जी अपने। हाँ ठीक है जी, तीन जने हमें क्या पता था आगे से पहले बिल्डिंग लगा के खड़े, उन्होंने मारने इटे उटे बरसाई, हम आगे घर को लड़ने बोल रहे, उन्होंने मार के ना फिर हमारे पीछे पड़े गए कॉलोनी में। इनके पास सारा सामान था जी, गंडासी गुंडूसी सारा सब था, सबके पास सामान था। और यहाँ अभी पुलिस का कहना है कि वो चंडीगढ़ का एरिया है और या आप नहीं चाह रहे? वो चंडीगढ़ का एरिया नहीं, पंचकुला में मेरे को मार के गए हैं। कहाँ पे मारा था? पंचकुला में, दिखा दूँ आपको किधर मार के गए। कोई कारण है, रंजिश है उनके साथ कोई पुरानी, कोई वैसे ही मारा? कोई बात नहीं थी हमारी, तो हम तो अपने घर जा रहे थे। अच्छा, हाँ वो अभी जेल में से निकल के आए हैं जी, पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्या क्या नाम है जिन्होंने अटैक किया था? लोटा, सांबा, और क्या नाम उसका, कलिया मनोज, चांदी, ललुआ, एक बतेरे जाने थे जी, 40-45 बंदे। तो आज आप चौकी में पहुंचे हैं, क्या कारण रहा चौकी में आने का? चौकी में तो जी हम रोज आ रहे हैं जी, हमारी कार्रवाई नहीं हो रही। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। सोया तो सी बीनू शर्मा की रिपोर्ट। होर खबरां देखने के लिए जुड़े रहो कैनेडियन मीडिया का टीवी NRI के नाल।